50 साल से लिख रहे हैं फिल्मों में. हाल ही में इन्हें दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया. बहुत बहुत मुबारक है सर. सच एन ऑनर टू शेयर द डायस विद यू. अंग्रेजी में कहते हैं कि लेखक निर्देशक हरीश व्यास और फिल्म के निर्माता मानव मल्होत्रा, जिनके पास सीटी नहीं थी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज. मैं सबसे एक एक सवाल पूछूंगी और उसके बाद आप सबके लिए फोरम ओपन है. तो पहला सवाल संजय जी आपके लिए. जी मैं जानता था. आपकी यूनिट बहुत शिकायत कर चुकी है कि आप जो है बनारस बिनारस कहते हैं, तो ये तो सरासर गलत है क्योंकि सारा रस तो आपको उन्हीं गलियों में मिला. पहली बार रोमांटिक हीरो प्ले कर रहे हैं. उन्हीं गलियों की देन है. तो कैसा लग रहा है सर? अगर यहाँ बैठ के वो रोल करते हैं. पहली बार रोमांटिक हीरो नहीं, गुलाब दे रहे हैं. अरे मैं बहुत बड़ा रोमांटिक हीरो हूँ अपने लाइफ में. ये तो माय वाइफ इज एंड ये तो एक फिल्म है. बट बिनारस बनारस मुझे शुरू से ये टाइटल चाहिए होता था फिल्म का. इस फिल्म का जब भी मैं सुना रहता कहानी और ये सारी कि बिना रस विदाउट रस बनारस, ये है बनारस. कोई रस ना होते हुए भी एक लाइफ में कुछ एक रस तो है जिसके सहारे पेशेंट को वापस जिंदा किया जा सकता है. तो बिनारस बनारस ये शिकायत अगर मेरी यूनिट वाले कर रहे हैं तो हम बहुत ही बड़े बड़े नेशनल फिल्म इंटरनेशनल फिल्म से टक्कर ले रहे हैं. हमारी यूनिट जब ऐसे सोचती है कमाल. किरण आपके लिए वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ. ये शिकायत के बेसिस पे, इनके जवाब के बेसिस पे नहीं, कि बिनारस के रोमांटिक हीरो के साथ कैसे निभा लिया आपने 24 साल? एक महीने का ही बता दो. एक महीना. देखिए ऐसा है कि सबसे अहम बात जो है वो ये है दैट एवरीवन वांट्स टू बी लव्ड, एवरीवन वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड. और जिसका पति ऐसा हो, मतलब यशवंत जैसा, लाइक आई मीन यशवंत जैसा अनरोमांटिक बेरस इनसेंसिटिव अनरिस्पॉन्सिव, उसकी ज़िंदगी तो काफ़ी मुश्किल होगी. यू नो आई मीन इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ प्रोजेक्ट फॉर हर 24 years विद अ मैन लाइक दैट. बट हैविंग सेड दैट आई एम गोइंग टू से वन थिंग कि यशवंत और किरण के प्यार मेरा एक अलग ही मिठास है कि दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को मगर समहाउ कभी उस बात का इजहार नहीं करते. रिश्तों में क्या होता है कभी कभी एक पैटर्न बन जाता है. यू नो शी वॉन्ट्स हिम टू से दैट ही लव्स हर बट बिकॉज ही डजंट से इट शी ऑल्सो डजंट से इट. बट डिस्पाइट दैट दे शेयर समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट इज़ वॉट दिस फिल्म एंड दिस जर्नी इज अबाउट. थैंक यू. अंशुमन जो कि जुगनू है, हर वक्त इनके अंदर जो है ना प्यार की लौ जगमगाती रहती है. तो ये बताइए आप दिल्ली से है ना? जी मेरी पैदाइशी इलाहाबाद की है लेकिन हाँ स्कूलिंग दिल्ली और कॉलेज यहाँ. तो बनारस की गलियों में और छतों से ये जो आपने बड़ी खूबसूरती से प्यार निभाया है, तो कोई रेफरेंस पॉइंट था इसे खेलने का, उन गलियों से रिलेट कर पाने का? पहली बार इन्होंने जब मुझे कहानी सुनाई थी तो ये हरीश व्यास जो राइटर डायरेक्टर हैं ये बहुत ही मज़े ले लेके जुगनू सुनाते थे. तो इनको देख देख के जब मैंने पहली बार फिल्म सुनी थी मुझे आइडिया लग गया था. आई थिंक फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम कम्प्लीटली. उसके बाद एज एन एक्टर आई बी ऑनेस्ट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ गोविंदा. तो जब इन्होंने फिल्म सुनाई थी तो गोविंदा मुझे बहुत शेड्स में दिखता था क्योंकि वो येलो जूते पहनता है, लाल शर्ट पहनता है, उस टाइप की चीज़ें करता है. सो दैट वॉज वन, इफ वी कुड मेक अ गोविंदाइश कैरेक्टर हु इज़ रियल एंड बिलीवेबल एंड इन लव, दैट इज द जोन आई वेंट आउट विद. और उसके बाद आई बिलीव इन इंस्टिंक्ट, सो देन इंस्टिंक्ट टुक ओवर. एंड संजय जी इज़ अ बिग part of and a big reason why all of us have been able to do what we've been able to do because film ki shoot ke dauran hum ek parivar ki tarah rehte the. Wo Banaras ko aise jante hain jaise unka soul Banaras hai basically. To humne bahut hi absorb kiya Banaras ko shoot ke dauran, sabne saath mein baith ke khaya piya maze kiye aur usi maze ka ek trailer aapko film mein nazar aata hai. तो खाए पिए मज़े किए, मोहल्ले गली छतों पे खूब आशिकियाँ की, लेकिन प्रीति तुम्हारे लिए इस फिल्म में जुगनू के अलावा खास क्या है? आई थिंक
think everything. Most importantly, I could relate to the story. For our generation, I think it's very easy to express our love through WhatsApp, through phone calls, through everything. And when I see my parents, it wasn't that easy for them. I haven't seen my parents expressing their love to each other. So when I read the script, I could relate to the script instantly. So I think that's why. That is the most special thing about the film for me. And of course, yes, both of them. Thank you, Shivani. And Pankaj ji, jo ki Firoz play kar rahe hai. इस फिल्म में आपके पास ना तमंचा है ना गालियाँ हैं. इनफैक्ट 50% है इस वक्त 50% है उस बहुत ही खूबसूरत स्पेशल लव स्टोरी के, वो तीन लव स्टोरीज में से एक. तो प्यार अक्सर फीका पड़ जाता है कई थोड़े टाइम के बाद, और चाहे वो लव मैरिज हो, मैरिज लव हो, जो भी हो. जब मुझे हरीश ने पहली बार बताया था इस फिल्म के बारे में, तो मुझे आप ही का बताया हुआ एक किस्सा याद आया था कि आपने ये कहा था कि आपके किसी भी परफॉर्मेंस के लिए आपकी पत्नी आज भी नहीं आती. आज तो बड़ा वैसे स्पेशल डे है, शी इज हियर, वी आर रियली ऑनर्ड. हाँ, ये कभी नहीं आती हैं, आज आती हैं, आज आई हैं, तो ऐसा इन्होंने कहा था. तो बताइए ऐसा क्या है. कोई भी जो लाइव परफॉर्मेंस होती है, थिएटर या बातचीत, वहाँ मैं नहीं आती हैं, ये मैं ही मना कर देता हूँ, बताऊँ, क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ. हाँ, एक्टिंग करते हुए लाइनें भूलने लगता हूँ. तो एनएसडी में बोलता था तू मत आना शो देखने यार, मैं अकेले, मुझे तो फिल्में देख लेती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो अब सवाल तुम क्या था, मैं भूल गया. नहीं नहीं, वो तो मेरी आदत है, मैं तो ऐसे रास्ता भी भूल जाता हूँ चलते चलते. आज कौन बता रहा था, जेएनयू में हरीश जी गए थे, तो जेएनयू बड़ा कैंपस है, निकलने का समझ में नहीं आ रहा था. कोई लड़का मिला उनको, बोले अरे भाई सुनो बाहर कैसे जाना है. तो उस लड़के ने बोला मुझे पता होता तो तुम्हें बता देता. मतलब उसका भी यही हाल था. नहीं, आप वाला. हाँ, नहीं नहीं, कई सालों से वहाँ था. नहीं, हमारा तो लाइव परफॉर्मेंस की बात है. ऐसे मेरे लिए भी था कि जो मतलब मेरा भी प्रेम विवाह हुआ है उनसे, तो मुझे ये रोल करते हुए सबसे पहले तो पता चला संजय भैया हीरो हैं, फिल्म के नायक हैं ये. हाँ, तो उतना वही बड़ी बात थी हमारे लिए कि बस भैया की फिल्म में हम कर रहे हैं, कुछ भी करना हो तो. इसीलिए मैं फिल्म में जुड़ गया. और फिल्म बहुत सुंदर लिखे हैं हरीश जी, बड़ी बढ़िया कविता की तरह है पूरी फिल्म. काफ़ी था उतना. यहाँ बैठे हुए जितने हम सब हैं, हम सब की ज़िंदगी में योगेश जी ने जितने भी गाने लिखे हैं, उनमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गाना हमारे लव स्टोरीज़, पर्सनल लव स्टोरीज़ में आई एम श्योर अप्लाई होता है. मतलब मेरे में तो होता ही है. तो 50 साल से लिख रहे हैं आप सर, और अभी भी इतना फ्रेश, इतनी कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज, अप्रोच, थाट, क्या राज है आपके यूथफुलनेस का? मैं, हरीश जी ने ये कहानी मुझे बहुत पहले सुनाई थी, और मैं हमेशा इनको मना करता था कि ये फिल्म मत बनाना. मैंने बोला क्या ओल्ड कपिल के ऊपर क्या बनाएंगे, क्या है. मगर हरीश का मतलब सपना था ये कि नहीं, मैं ये फिल्म बनानी है मुझे. और सब जो भी हुआ, काफ़ी दिन अरसे से वो लगे हुए थे इस बात पर. और मतलब जब स्क्रिप्ट उन्होंने मुझे सुनाई, उनकी राइटिंग, मैं इतना इम्प्रेस हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ, मैं मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ. मुझे, आप बिल्कुल सही बोला है कि वो कविता जैसे मुझे लगने लगी. और हालांकि गाने तो कम ही थे, स्कोप भी कम था, मगर फिल्म मुझे इतना ज़रूर था कि बहुत अच्छी बनेगी. और अब बात मतलब वैसे फिल्म देखी तो बहुत पसंद आई मुझे, इसलिए नहीं कि मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें. और जितने भी कलाकार हैं, संजय जी का और जो कलाकार है, मैं सब मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम चूँकि मुझे याद नहीं है, मगर बहुत अच्छा काम, मतलब
लगता है जैसे और मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं तो पुराना आदमी हूँ, आनंद वगैरह फिल्म से रजनीगंधा छोड़, तो वो संवेदनशील जिसको बोलते हैं ना कि महसूस करना, सेंसिटिव फिल्म जिससे आदमी जुड़ जाता है, वो इस तरह की फिल्म है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये, और पूरी कहानी का जो एक थीम है वो मुझे लिखने को बहुत स्कोप तो नहीं था, मगर चार लाइन, तीन लाइनें हैं, एक ठुमरी है इसमें जो पिया मुझसे रूठ गए रे, कहानी का जो थीम जो बयान करता है। तो जन्म मतलब इतने साल साथ में रहने के बाद आपको जब महसूस मतलब कि बस जिंदगी यही है कि जैसा संजय जी आते हैं, दारू पी शाम को, टीवी देखा, वाइफ ने खाना दे दिया और सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। तो वहाँ पर एक ठुमरी है कि जन्म जन्म के लिए प्रीत की बांधी डोर थी जिनसे, ढाई आखर प्रेम के फिर भी कबहू न बोले उनसे, पिया मुझसे रूठ गए। तो उस तो उसमें एक लाइन है कि पूरी कहानी का जो थीम है कि करता रहा मोरा मन मनमानी, उनके तो मन की पीर न जानी, प्रेम के पल सब खोए, पिया मुझसे रूठ गए रे। तो ऐसे कोशिश की है और फिल्म की मुझे लगता है कि बहुत मतलब लोग पसंद करेंगे। आप ही का एक और गाना जो मुझे याद आ रहा है, जो मुझे बहुत पसंद है, जब इस फिल्म के बारे में सोचती हूँ, सुनती हूँ और आपने जो भी कहा उसे याद करती हूँ, तो किसी के जाने के बाद करें फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, यही है इनकी लव स्टोरी। हरीश, आपने अंग्रेजी में कितनी बार कहा है? मैं हिंदी में नहीं कह पाया लेकिन कहने की कोशिश करता हूँ, कई बार बोल नहीं पाता तो शायद आंखों से, इशारों से, यही तो कर वही कर रहा हूँ, फिल्म बना के भी तो वही कर रहा हूँ। आई थिंक डीप डाउन दिस फिल्म इज फॉर हिज वाइफ, है ना, खुद ये इसी से कह रहे हैं, क्या बात है। मैं पूरी फिल्म बना दी, देखिए लोग बोलते हैं, लेटर लिखते हैं, मैंने पूरी फिल्म बना दी तो ये बताइए, वो एक ही फिल्म शुरू से है या एक्चुअली ये तीन अलग अलग फिल्में थी? नहीं, आइडिया तो एक ही फिल्म का था, लेकिन जब आप कोई भी कहानी लिखते हैं तो कोशिश ये थी कि लव के बहुत तरीके अलग अलग हैं, एक्सप्रेशन अलग हैं, तरीके अलग हैं। जैसे शिवानी ने कहा कि आजकल का प्यार जो है थोड़ा व्हाट्सएप पे ज़्यादा आ गया, तो इस तरह की कहानियाँ हैं, कोई बड़ी एक कई कहानियाँ जैसे ऐसी भी होती हैं जैसे फिरोज़ की, जहाँ पर उसको बस तू ही तू दिख रही है, मतलब एक लो लग जाती कि बस यही है यार, शी इज़ विद मी। और एक है जब जहाँ आप रियलाइज़ करते हैं कि करता तो था, जिसमें डायलॉग है कि कभी उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं की, लगा उसे अच्छा लगा, उसे पता होगा। तो तीन कहानियाँ थी, लेकिन तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना हो, लेकिन दिखाया गया है कि भाई इसमें से ये रास्ता है, ये रास्ता है, कहाँ चलना है वो चलो, रास्ते तो बहुत सारे हैं, कहाँ जाना है वो, तो वैसा था। अच्छा, और आखिर में मानव, इस फिल्म के निर्माता यूएस में सॉफ्टवेयर कंपनी है इनकी, अपने दोस्त की फिल्म बनाने इंडिया आए, और दोस्त ऐसे ही, और वो सीधे इन्हें बनारस की गलियों में ले गए। तो ऐसा क्या खास था इस कहानी में कि आपने ये पूरा सफर तय किया? सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि मेरे को इसको सुनना अच्छा लगता था जब ये कुछ बोलता था फ़ोन पे, और जब हम वहाँ रहते हैं बाहर यूएसए में, तो कोई एक ऐसा दोस्त मिलता है जिससे आप बात कर सकते हो, जिससे आप, तो हमने बात ये ज़्यादा नहीं करी कि और घर में सब ठीक है, ठीक है, वो हम ज़्यादा नहीं करते थे, इसकी स्टोरी की बात हम ज़्यादा करते थे। तो वो डेवलप इतना ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा उस जगह पे पहुंच गया कि फिर मैं मौके ढूंढ रहा था कि हाउ कैन आई इन्वेस्ट। और दूसरा यह था कि आई एक्चुअली इस फिल्म के प्रोसेस में यू नो, व्हेन आई वेंट टू फिल्म बाज़ार और वहाँ व्यूइंग रूम में जैसे हमने इस फिल्म को दिखाया, सो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर सपोर्ट।
बीइंग अ फर्स्ट प्रोड्यूसर, सो एक जो हमें सपोर्ट सिस्टम मिला एनएफडीसी से, आई थिंक उससे हम लोगों का थोड़ा रिजॉल्व और स्ट्रांग हो गया. एंड दैट्स हाउ वी आर हियर बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स. बट एक प्रोसेस में जाने से हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा. और आई थिंक आई गिव इट टू एनएफडीसी, यू नो, फॉर देयर सपोर्ट. एंड या तो इस प्रोसेस के दौरान ही आपने अपनी वो शॉर्ट फिल्म बनाई? शॉर्ट फिल्म मैंने पहले बनाई थी, लेकिन द रीजन आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन द मूवीज बिकॉज दैट शॉर्ट फिल्म वाज कॉल्ड वायरलेस. तो वो यही था जो अभी शिवानी ने बोला कि यू नो पीपल आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट रिलेट टू देम एनीमोर. यू नो इट्स लाइक यू आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन फोन बट यू डोंट गो आउट इन द ग्राउंड टू प्ले दैट. तो वो जो एहसास है वो एक्चुअली में खत्म हो रहा है. तो जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यार ये हाँ ये दिस इज समथिंग सिमिलर. एंड सो इफ देयर इज अ स्टोरी, इफ वी कैन डू समथिंग एंड इफ वी हैव ग्रेट पीपल टू वर्क विद, तो कुछ करते हैं, चलो लेट्स डू दैट. तो वहां से शुरुआत हुई. थैंक यू. ओपन टू द प्रेस इफ एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, प्लीज रेज योर हैंड इन ए माइक. हां अनुपमा, मैं कुछ मतलब क्योंकि मैं उनका कुछ नाम लेना चाहूँगा जो इस फिल्म से जुड़े रहे हैं खासतौर पे. और एक तो इतने गुणी जन लोग जो यहाँ बैठे हैं उनका धन्यवाद है. एक गुणी जन हमारे बत्ती साहब विजेंद्र काला जी, और इतना इतना स्वीट कैरेक्टर उन्होंने किया है. और काला साहब प्लीज आइए ना. तो इन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर किया. फिर इसके जो फिल्म के पीछे लोग जुड़े हुए हैं जैसे फारूक मिस्त्री साहब जो डीओपी हैं, उनका बहुत ही बेहतरीन काम है. सुरेश पाई जी हैं हमारे, और म्यूज़िक में अनिकेत यहाँ पर हैं, रंजन शर्मा, प्रवीण कुंवर. और क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि आप अकेले नहीं बना सकते, उसके साथ आपको बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है. फिर मेरे प्रोड्यूसर साहब बंटी साहब यहाँ बैठे हैं, बंटी खान साहब शाइन एंटरटेनमेंट से, मानव विकास अरोड़ा यहीं कहीं हैं शायद जिन्होंने मुझे मिलवाया. तो और सबसे बड़ी बात जो अब हमारे साथ जुड़ी है वो एनएफडीसी. मैं आज बोल रहा था मैम कि आपके लोगों में लिखा होता है सिनेमा ऑफ इंडिया. तो जब आप उस लोगों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि आप सिनेमा ऑफ इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है और गर्व की बात है सबके लिए. तो थैंक यू एवरीवन, बस इतना ही कहना चाह रहा था. और बाकी जितने भी हमारे जो क्रू लोग हैं साउंड के, सबका बहुत बहुत शुक्रिया. सभी एक्टर्स का, प्रोडक्शन गाइस सबका थैंक यू सो मच. सर नमस्कार, मैं संदीप सिंह. मेरा सवाल पंकज सर से है, कल भी हम मिले थे. और सर हम उस देश में रहते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर विशेष तौर पे प्रेम के ऊपर थियरी की क्लासें चलती हैं. तो सर आपने जितने भी किरदार किए वो हमेशा आतंकित करते हैं, गुंडई, मतलब एक देहाती रोल. और कल जो मैंने देखा उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा कि आपको ये रोमांटिक किरदार भी मिला है. तो सर ये इस विषय पर आप मुझे बता सकते हैं कि किस हिसाब से आपका अनुभव रहा इस फिल्म में काम करते हुए और इस रोमांस को अनुभव करते हुए? हाँ शुक्रिया. बता, आज सुबह में अतिका के साथ हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, शायद हैं वो आई थी यहाँ पीछे हैं, तो उन्होंने एक सवाल किया जिसमें संजय भैया बोले कि आप लोग अभिनेता ऐसे अभिनेता हैं, तो संजय भैया ने बोला कि हम आलू हैं. आलू उन्होंने पूछा था, कमर्शियल सिनेमा करते हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में करते हैं, तो भैया बोले हम वैसे जैसे सब्जियों में आलू होती है ना, वो चिकन में भी पड़ जाए, मटन में पड़ जाए, भिंडी में बन जाए, बैगन डाल दो, आलू सब में चलता है. तो मैंने अतिका को बोला और इस बार आलू सोलो आ रहा है. वही वही. तो खैर ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात था कि दम आलू में हम भी बने हुए हैं जीरे. तो मेरा बड़ा छोटा सा किरदार है इस फिल्म में, बट हाँ मैंने अब तक ऐसा किरदार नहीं किया है, बहुत छोटा है. जब मैं पहली बार पढ़ा था मुश्किल से मेरा रोल 3-3.5 पन्नों का है, 3 सीन है. हाँ हरीश जी ऐसा ही 4 कर दिए क्या? एक नए अच्छा 3 को ही ये काट के अलग कर दिए होंगे 2 टुकड़ों में. तो मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत प्रेम कहानी है. मैं करते हुए इस किरदार को करते हुए मैंने जितना अच्छा महसूस किया बाकियों में उतना अच्छा महसूस नहीं होता है. जब आप किसी को डराने जाते हैं, धमकाने जाते हैं, कुछ गलत करने जाते हैं,
यहाँ पे जैसे नील भट्ट सन्नाटा या मसान में मैं अपना ही रोल कर रहा था, मैं ही था मसान में, यहाँ मैं ही हूँ, यहाँ कोई अभिनेता और कोई कैरेक्टर नहीं है, मैं हूँ। तो आपको शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है कभी कभी? वो अरे यार वो सच्चा प्यार नहीं है बाबा, वो सेलुलाइट का प्यार है। कौन प्यार में ऐसे करता है लड़की को देख के? हुआ है, वो करते हैं तब जब सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं तो बच्चे करने लगते हैं। वो आंतरिक नहीं है, वो बाहरी है। जो ट्रू लव है ना, रोमांस है ना, वो बड़ा इंटरनल मामला है। पिक्चरों में देखते हैं वो नहीं होता, इसमें वो होता है जो जिंदगी में होती है, कि वो मन की बाहें फैलती हैं। वैसे मन की बाहें इसमें तो संजय जी की भी फैली है, मतलब पोस्टर में एकदम टाइटैनिक स्टाइल। कोई और सवाल? हेलो हेलो, हरी जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब पिक्चर स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई और संजय जी आए हैं, तो स्टार कास्ट कैसे फाइनलाइज किया? हमने पंकज जी को जानते हैं कि वो हमेशा अपने कॉमेडी या नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं, और संजय जी भी अपने कॉमेडी रोल के लिए जान जाते हैं। तो जब इन्होंने कहानी सुनी तो इनका क्या रिएक्शन था कि इन्हें ऑन स्क्रीन रोमांटिक रोल प्ले करना है? मुझे लगता है कि हम डायरेक्टर लोग एज ए एक्टर देखते हैं, मतलब इनको एज ए, मतलब वैसा नहीं देखते कि ऐसा रोल करते हैं, और ये हमारा दायित्व भी बनता है कि हम उनको एज एन एक्टर देखें। हाँ, इमेज मतलब ऐसा ना कर दें कि वो फिक्स ना कर दें कहीं भी। तो जब संजय जी को मैं सुनाने गया था, तो मुझे याद है कि इनके घर पे कुछ काम चल रहा था और बहुत लकड़ का ढूंढा, तो सर ने बोला सुनाओ, तो मैं सुनाने लगा थोड़ा तेज तेज, फिर सर ने सबको बंद कराया, बंद करो, फिर मेरे को लगा कि चलो थोड़ा असर कर रही है। पंकज जी जब मिलने आए थे तो अब आप बोलेंगे जहन में कैसा था, तो हम चाह रहे थे कि हमें ना करेक्टर ऐसा दिखे जो एकदम जिसके दोनों रंग दिखें, दोनों रस दिखें, और वो संजय जी के अंदर हमें उस करेक्टर के लिए दिखे, जो कि बहुत ज़रूरी थे। सेम चीज़ हम पंकज जी के लिए भी कहना चाहेंगे। पंकज जी को मैं देखता था तो जैसे अभी अनुपमा ने बोला कि वो तमंचे और ये सब, तो ऐसा लग रहा था कि किसको लें, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो संजय जी का है, क्योंकि संजय जी ने मुझे कहा पंकज को क्यों नहीं ट्राई करते, तो मैंने कहा कि हाँ सर, फिर हमने सोचना शुरू किया, तो इसलिए उसका श्रेय तो खैर संजय जी को भी जाता। फिर उसके बाद में अंशुमन जो था, हमें मेरे को पता चला कि अंशुमन इस तरह के कैरेक्टर करता रहा है, तो हमने किया। प्रीति इस कैरेक्टर के आप देखेंगे तो लगता है कि ये कैरेक्टर इसके अलावा कोई कर नहीं सकता था। सबसे बड़ी कास्टिंग थी हमारे इसमें एकावली की, बिकॉज एकावली हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि प्रीति कौन करेगी, और किरण कौन करेगी। तो एक दिन जब किरण हमारे पास आई रूम के अंदर, हम काफ़ी टाइम से ऑडिशंस कर रहे थे, और हम चाह रहे थे कोई फ्रेश फेस थोड़ा सा, जिन्हें काम किया हो लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत इमेज ना बनी हो किसी की भी, जिसमें इस फिल्म से उनके एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये आई, जैसे ही कमरे में आई, तो मैंने इनको देखते ही लगा मुझे कि भाई किरण हमें मिल गई है। मैंने इमीजिएटली संजय जी को फ़ोन किया और कहा कि सर हमें शायद किरण मिल गई है, और फिर हम मिलने गए। तो इस तरह से रूपरेखा थी, और हम जब कहानी लिखते हैं तो सोचते नहीं, मेरे राइटर ने साथ में आर्यन शाह और स्टोरी मेरी है, तो हमने कभी ऐसे सोचा नहीं था। लेकिन जब फिल्म आई तो अपने आप लोग प्लेस हो गए। फिर बत्ती साहब का कैरेक्टर आया, वो बत्ती साहब का जो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले था नहीं, लेकिन वो एक बार बंटी साहब ने मुझे किस्सा बताया कि एक हमारे ऐसा कैरेक्टर था, तो हमने डाला। तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि आप बत्ती साहब को देखिए, पर इन्होंने इतना खूबसूरत किया है, अब जब आप फिल्म देखेंगे तो आप प्यार में पड़ जाएंगे विजेंदर जी के, मैं बता रहा हूँ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। देखिए इसमें किस्मत का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं कलकत्ते में रहती हूँ, आई एम अ कलकत्ता एक्टर बेसिकली, और इट वॉज अ मैटर ऑफ चांस कि मैं बम्बई में थी और मुझे फ़ोन आया इनके ऑफिस से कि आप आ जाइए मिलने, और बस फिर मैं वहाँ गई, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एज़ दे से। इट आई थिंक लक हैज प्लेड अ रोल डेफिनेटली। अगर मैं वहाँ उस वक्त बम्बई में नहीं होती, शायद मैं नहीं जाती, शायद हमारी मुलाकात नहीं होती, और फिर पता नहीं ये रोल कौन करता, बट मेरा था, मुझे मिल गया। ऑल्सो जस्ट टू एड वन स्मॉल थिंग, ये हमारे सिर्फ हमारे देश में है, ये अगर आप दुनिया भर की फिल्में देखेंगे तो ये प्रोटोटाइपिंग नहीं होती है कि ये एक्टर सिर्फ रोमांस करता है, ये सब दिग्गज कलाकार हैं यार। मतलब स्टेज पे काम देख लो, कुछ ऐसे ऐसे किरदार निभा देते हैं जिसमें आप हीरो हीरोइन हम स्लॉट करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की खूबी है या खामी है, जो कि बदल रही है अब। इसीलिए अब आप वेस्ट हॉलीवुड की फिल्में देखिए, हम लोग इतना देखते हैं, वहाँ पे टैरेंटिनो की फिल्म्स में बड़े स्टार्स छोटे छोटे रोल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने इतनी खूबसूरत एक नदी की तरह ये फिल्म लिखी है, और हम लोग पिट स्टॉप्स हैं,
वो नदी की तरह बहती है. और आई थिंक हमारी ऑडियंस अब लकीली कंडीशन हो रही है कि हम अभिनेताओं को एज कैरेक्टर्स देखें वर्सेस स्टार्स. मेरा सवाल, डू वी हैव वन मोर टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन? या वन मोर, ओके वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. बातचीत का सिलसिला तो बाहर भी चालू रह सकता है क्योंकि चाय नाश्ता सब एंड बातचीत, सो यू विल हैव वन टू वन. सो लास्ट क्वेश्चन. मेरा सवाल संजय जी और पंकज जी से, जैसे टाइटल है अंग्रेजी में कहते हैं, तो आपको कौन से, जब प्यार का इजहार करते हैं तो कौन से लैंग्वेज में कहने में ज़्यादा फीलिंग आती है, और शादी से पहले कभी किसी को कहा है? याद आता है कि शादी से पहले कुछ किसी को कहा हो? मेरी मैं पहले आप मैं हेलो हेलो हाँ मैं जिनको प्यार किया वो मेरी पत्नी बन गई, शादी हो गई, उनको नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है. दोस्त हम जब भी प्यार का थोड़ा सा भी सीन बनता था ना किसी लड़की के प्रति, तो मैं बोलता था शादी करेंगे. हाँ, तो हम सीधा सिंदूर टाइप जेब में रखते थे. तो हमारा वो हुआ ही नहीं कभी, क्या बताएं दोस्त. हाँ, अब जाके ट्राई कर रहे हैं, ऐसे ही करेंगे. प्यार जो चीज़ है ना, अगर कह के किया जाए, मिठाई कह के खरीदा जाता है, रसगुल्ला देना. प्यार अगर कह के किया जाए तो शायद वो प्यार ना हो. और जिस तरह के माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि आप आई लव यू और ये सारी चीज़ें बोलते हैं. मैं अपने पापा को नहीं बोला कि पापा आज तक, अभी तक, अब वो रहे भी नहीं, कभी नहीं बोला ज़िंदगी में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. उस समय बोल लिया होगा जिस समय उतनी अकल नहीं थी, लेकिन अकल आते आते जैसे पापा जी घर में आए आप इस साइड हो जाते थे. हम बोलना, हमें व्यक्त करना इस भाषा को सिखाया ही नहीं गया है. प्यार मीरा ने भी किया था. प्यार चीज क्या है? सिर्फ बोल दे प्यार. प्यार मतलब वही थोड़ी कि पेड़ के पीछे चक्कर काटो. प्यार जब आप घर में एक डॉगी पालते हो, उसके एक्सपायर होने पर भी आप उसको, उसकी जगह, खाली जगह को देखते हो. प्यार इज समथिंग एल्स. ऐसा, और मैं तो बसों में घूमता था तो बहुत सारे आंखों से बोला है मुझे तुमसे प्यार है, कई बार कई जगह है. और शायद नहीं, और वैसे भी ना ये बोलने वाला, मैं पिछले दिनों एक फिल्म कर रहा था, एक अमेरिकन डायरेक्टर था जॉन अपचर्च, तो उसने संवाद में ना सब कुछ बोलता था. आई एम एंग्री, आई हेट यू, आई लव यू. मैं बोला यार मैं एक्टर हूँ, तुम क्यों हेट में है, तो मेरी आंखों में दिख जाएगा. नो नो पंकज, फॉर यूएस ऑडियंस यू हैव टू से इट. मैं बोला यूएस ऑडियंस, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये हमारे यहाँ प्यार व्यवहार में दिखता है, आपके जेस्चर में दिखता है, आपके बिहेवियर में दिखता है. वेस्ट में ज्यादा कला है प्रकट करने का, कि अपने बेबी को तीन बार शब्दों में आई लव यू बेबी नहीं बोलोगे तो बेबी चली जाएगी शाम तक. तो एक बेसिक फर्क है ये शब्दों में प्रकट करना. और सबरी ने राम जी को प्यार ही किया था कि चख के रख ली थी कि मीठे हैं उनके लिए रख लेती हूँ. तो व्यवहार में भी दिखना चाहिए प्यार, सिर्फ शब्दों में नहीं दिखना चाहिए. और यूएस की बात की तो यूएस में इनफैक्ट जब फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था तो वहाँ पे एक, और ये सच्चाई है, सर थे वहाँ पे, मानव थे, कि एक अमेरिकन आदमी खड़ा हुआ स्क्रीनिंग के बाद और उसने कहा कि मैं 20 साल से मेरी शादी हो चुकी है और मैंने अपनी बीवी को आई लव यू नहीं बोला है. ये फिल्म देखने के बाद आज रात को मैं घर जाके अपनी बीवी से आई लव यू बोलूंगा. सो इट्स यूनिवर्सल, इसीलिए वी गॉट कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म रियली वर्क्स. एक दोस्त ने मेरे देखी अभी कुछ दिनों पहले, 25 साल हो गए थे शादी के, इंटरवल में कहता है यार इस पिक्चर को टैक्स फ्री करा दो यार. हर हस्बैंड को देखना चाहिए. और जब फिल्म खत्म हो जाती है, यार हम भी बहुत दिन से कहे नहीं गुरु. और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से मैंने देखा मुझे लगा कि हम एक्टर्स को आजकल एक प्रोफेशन हो गया, तैयारी करो ये बेचने मार्केटिंग वार्केटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो मैं सोच ही रहा था इस पिक्चर में, और मुझे वापस, मेरी भी बीवी का नाम किरण है, उससे दोबारा से प्यार हो गया है. और हाँ, ये क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना, जो सबसे करीबी दोस्त होता है, अरे इसको क्या बताना है, इसको तो मालूम ही है. आप आइए भाई साहब, आप क्योंकि ट्रेन में आए हैं ना, तो आप आइए. ये तो छोड़ो, दिल में बहुत बहुत करीबी है.
तो ऐसा साहब जिंदगी जीने लगते हैं, मोबाइल उठते ही व्हाट्सअप देखना, अरे कल उसको भेजा था तो उसने क्यों नहीं भेजा, इसने भेजा तो उसने क्यों नहीं भेजा, अरे 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 ट्रैफिक और ये। जब आप घर पहुंचते हैं तो आप इस तरह से घर पहुंचते हैं कि बस अब मैं सिर्फ मैं, तो आप भूल जाते हैं, लगता है अच्छा कल बोल देंगे यार, है तो। लेकिन जब से ये कोशिश जारी है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत दागे जाएंगे आप पर, आप कैसे हस्बैंड हैं, आप क्या, आप ना, वही तो तैयारी कर रहे थे तो एक अच्छा और प्यार हो गया कि अब हम एक दूसरे को थोड़ा पल लम्हा सबसे बचा के थोड़ा सा टाइम देते हैं। थैंक यू हरीश जो तुमने ये फिल्म बनाई। मुझे क्या लगता है ना, जैसे दिलवाले दुल्हनिया के बाद ना करवा चौथ बड़ा पंजाब का त्यौहार था, आफ्टर दिलवाले दुल्हनिया बिहार की औरतें पति को बोलने लगी अब जल्दी आइए चांद निकलने वाला है, उससे जल्दी आओ। हाँ, और वो चलनी लेके पति LIC एजेंट है, पेट में गैस हुआ है, परेशान है, वो खड़ी है रात को। चलो खैर, नहीं अपार्ट फ्रॉम मस्ती है, बड़ा सम्मान है, वो अद्भुत फिल्म है, मेरी भी पसंदीदा फिल्म है। इनफैक्ट मेरा प्यार उसी फिल्म के दरमियान शुरू हुआ था थिएटर में, दिलवाले दुल्हनिया। इस पिक्चर के बाद ना हर पति अपनी पत्नी को जाके वापिस से बोलेगा, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू टाइप, तो ये ट्रेंड हो सकता है कि इसके बाद चालू हो, लेकिन अगर लोग देखें तब। हाँ, आप देखें तब। तो अपनी लव लाइफ्स रिसरेक्ट कीजिए, अपने मैरिजेस को रीबिल्ड कीजिए, या फिर ऑल फर्म अप कर दीजिए, 18 मई को जाइए देखने। एंड आई थिंक वी विल ब्रिंग दिस सेशन टू अ क्लोज हियर, लेकिन चाय नाश्ता कॉफी पर बातचीत जारी रहे। आप लोग प्लीज रुकिएगा, वी विल डू अ फोटो ऑप। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। वेट सर, लुक कैमरा। Okay, सर, जैसे कि अलग तरीके की कहानी है, अंग्रेजी में कहते हैं अलग तरीके का सब कुछ है, उसके बारे में बताइए कुछ, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म? ये बिल्कुल अलग तरह का नहीं है, ये बिल्कुल हमारी तरह का है। हमारे फैमिली में, हमारे आसपास समाज में एक जो प्यार को लेके बहुत लोग कह नहीं पाते हैं, इजहार नहीं कर पाते हैं, बहुत सालों से साथ रहते हैं, तो वो ये फिल्म उस बारे में बात करता है कि कह दो वक्त है, कह दो। वो पेट्रोल का काम करेगी, एनर्जी का काम करेगी। काफ़ी अलग अलग किरदार में आपको देखा है, कॉमेडी करते हुए, हर चीज़ करते हुए, इस बार पहली बार आप रोमांस कर रहे हैं, तो नर्वस है, क्या है, क्या चल रहा है? नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी आपका फर्स्ट ट्रेलर दिखाई देता है और जो आपने नहीं किया होता है वो आने वाला होता है तो थोड़ा डर लगता है। हो सकता है इसके बाद लोग मुझे रोमांटिक रोल में भी देखना पसंद करें, तो वो जब तक वो पसंद हुआ नहीं है तो बस वो डर रहता है। मैं बता रहा हूँ, इस किरदार के लिए कुछ नहीं तैयार किया, आधा 75-85 ये अम्बा से लेके अंबानी तक के घर की कहानी है, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं, कहीं अम्बा होंगी कहीं अंबानी है, तो ये सबके घर की कहानी है, हर एक के घर की कहानी है, हर एक की कहानी है। सो रिलेट होने के लिए काफ़ी, अगर आपने अपने घर में ऐसा जिया है तो। ये पिछले 4-5 सालों में मैं बहुत कॉमेडी भी कर रहा हूँ और एक दूसरे तरह की फिल्म भी कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर मुझे अपने घर वालों, बहुत से अंकल के करीब लगा, मेरे करीब लगा, तो मैंने हाँ कर दिया।
ट्राई करना चाहिए अलग चीज ना लाइफ में, तो हाँ कर दिया बहुत। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैं पहली बार एक रोमांटिक प्रेमी का किरदार कर रहा हूँ, मोहब्बत करते हुए देखूंगा, और जैसे मैं गैंग्स ऑफ वसेपुर में लोगों को डराया था वैसे ही इसमें प्यार करवाऊंगा, मोहब्बत में पड़ेंगे। छोटा रोल है मेरा, बहुत छोटा रोल है, क्योंकि संजय भैया फिल्म के नायक हैं, हीरो हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये रोल करना चाहिए। बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है उस रोल का, लेंथ छोटा है बट असर बहुत बड़ा है। आई एम श्योर लोग मेरे को रोल को बहुत पसंद करेंगे। बहुत कुछ फ़र्क पड़ा, हम हर रोल को करने के बाद थोड़े से लाइफ में ग्रो होते हैं। ये करने के बाद मुझे अपने जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा समझ में आई, यही है। बहुत 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 कुछ बदला है मेरे लिए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पहली बार शायद मैं, मतलब मेरी पत्नी इस किस्म का रोल कर रहा हूँ मैं, जहाँ मैं अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। आदमी बहुत सिंसियर है, बहुत केयरिंग है, बहुत सेंसिटिव है यह बंदा, और आपको रुलाऊंगा मैं इस फिल्म में, रुलाऊंगा दो तीन सीन में रुला दूंगा। किन्हीं चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, संजय मिश्रा लीड रोल में है, मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, उनकी फिल्म थी, मुझे करना था कुछ भी, मुश्किल से तीन सीन है मेरे, बट उन तीन सीन का असर बहुत है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ संजय भैया के प्यार और हरीश की राइटिंग की वजह से किया हूँ, बाकी मुझे, मैं पढ़ा था तो खुद रोया था स्क्रिप्ट को पढ़ के, और मुझे लगा नहीं यार करना चाहिए, छोटा है तो क्या करना चाहिए, और मैंने किया। ऑफ कोर्स जाएगा, अगर लोग जो जिस बंदे ने ये फिल्म देख ली वो अपने माँ पिता को बुला के ला के पिक्चर दिखाएगा, मैं तो इतना दावा कर सकता हूँ। जिस आदमी ने देख ली ना वो अपने पेरेंट्स को बुला के दिखाएगा, या वो शादीशुदा होगा तो घर जाके उस दिन अपने पत्नी से अलग बिहेव करेगा, ये तो तय है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बहुत ही हार्ट वार्मिंग, एक बहुत वार्म फैमिली स्टोरी है, एक कपल के बारे में है, इसमें तीन लव स्टोरीज हैं, और ये फिल्म बनारस में सेट है। दिस फिल्म इज़ अ लॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग लव, इट्स अबाउट सेइंग दैट यू लव समवन व्हेन यू एक्चुअली लव समवन। अक्सर हम अगर किसी से प्यार भी करते हैं ना उसकी कदर करना भूल जाते हैं, तो दिस फिल्म इज़ अ फिल्म, मेरे ख्याल में इसे देखने के बाद बहुत लोगों को ये एहसास होगा कि हम जिसे प्यार करते हैं हमें उसे प्यार का इजहार करना चाहिए। और ये बहुत मज़ेदार फिल्म है, इसमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, और मज़ा आएगा आपको। कैसा हो सकता है बताइए, कमाल का एक्सपीरियंस मिश्रा जी के साथ काम करके, मैं तो कहती हूँ मेरे गुरु भी हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि वो एक एक्टर को इक्वल दर्जा देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि मैं बहुत सीनियर हूँ या मैं एक लेजेंड हूँ या मैंने इतना सारा काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट वॉज़ एक्चुअली लाइक अ कोलैबोरेशन, जब हम वर्कशॉप भी करते थे तो हम बहुत सारी बातें करते थे रोल के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, और बहुत इंटेंस था पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करना, और बहुत कुछ सीखा मैंने। दर्शकों से तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आइए हमारी फिल्म देखिए, बहुत प्यार से बनाइए हमने फिल्म, और मुझे पूरा यकीन है कि आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगी। थैंक मेरे कैरेक्टर किरदार का नाम है जुगनू, ये बनारस का एक 25 साल का बहुत ही लाउड, हैप्पी, पॉजिटिव लौंडा है, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के रूप में देखता ही नहीं है, उसको लगता है सब कुछ सॉल्व हो सकती है। बहुत ही खुश मिजाज इंसान है जिसको प्रीति से बहुत प्यार है, और एक अड़चन है कि वो उस प्यार को शादी में कैसे तब्दील करे, और फिल्म है कि वो कैसे पहले वो अड़चन दूर करता है और उसके बाद कैसे प्रीति के माँ बाप को प्रीति के साथ मिलकर
उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हेल्प करता है सॉल्व करने में. रेगुलर किरदार है, एक लड़की है जो बेसिकली अपने माँ बाप को देखती है, एंड आई थिंक उसके जो पिता हैं वो अपनी माँ से कभी नहीं कहते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं, ठीक है. और ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए लाइफ में, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ पार्टनर फॉर मी. सो आई थिंक दैट्स हर जर्नी, दैट्स लाइक दैट्स द काइंड ऑफ इम्प्रेशन शी हैज़ गॉट फ्रॉम हर पेरेंट्स, एंड दैट्स हाउ शी फेल इन लव विद समबडी दैट she fell in love with him because he cares. He's not. I think it was beautiful. और ये बहुत सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे रियल लाइफ में भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल गया बिकॉज ऑफ दीज पीपल. एंड हम लोगों के लिए बहुत ईजी था परफॉर्म करना बिकॉज उनकी वजह से मैं बनारस को हमने जेन्युइनली आई कैन फील बनारस, अभी भी आई कैन फील बनारस, लाइक खाने से लेके टाइम पास करने से लेके वी वेंट टू एवरी प्लेस ही न्यू, एंड वी यूज्ड टू चिल अ लॉट ऑन सेट, एंड वी वर लिविंग लाइक अ फैमिली. आई थिंक दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रीन. देखिए मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं. सो दिस फिल्म इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म एज एन एक्टर फॉर मी, मेरे लिए इट्स अ लैंडमार्क मंथ इन बनारस विद संजय मिश्रा एंड एवरीवन. बिकॉज वी रियली, और मैं ये सिर्फ इफेक्ट के लिए नहीं बोल रहा, मैं जेन्यूनली बिलीव करता हूँ, क्योंकि संजय जी के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि इवेंचुअली आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है अगर आप सच्चाई से कर रहे हैं. और हम आजकल बहुत देखते हैं कि लोग बहुत चीज़ें कोशिश करते हैं एज एक्टर्स, इवेंचुअली इट बॉयल्स डाउन टू आपका काम कितना अच्छा है और ऑडियंस आपको उसके लिए कितना प्यार देती है. आपको शायद एक मौका मिले, शायद 100 मौके मिले, और ये सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है, आप उस मौके में बेस्ट होने चाहिए. और इस शूटिंग के दौरान वो सिंप्लिसिटी जो लाइफ की है, ज़्यादा शोशाबाजी नहीं, ज़्यादा नॉनसेंस नहीं, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी हद तक वैसे ही जी है. इनके साथ इतने सीरियस सीनियर दिग्गज अभिनेता के साथ ये मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आप पूरी लाइफ ऐसे जी सकते हैं और अपने मन का काम अच्छा काम कर सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट बीन अ लैंडमार्क फिल्म एज एन एक्टर बट इवन एज अ पर्सन. I recently finished a web series for Zoya Akhtar. It's for Amazon Prime. Abhi filhal wahi lined up hai, and there's one more project which is there, but that I can't disclose right now. एक बड़ी exciting film है जो कि मेरे career की सबसे challenging film है अब तक, called No Fathers in Kashmir. Oscar nominated director Ashwin Kumar की film है, उनकी अगली film Little Terrorist Road to Ladakh उन्होंने पहले बनाई है. इनफैक्ट मैंने अभी एक हफ्ते पहले वो फिल्म देखी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, बिकॉज उसमें मैं एक आर्मी मेजर का रोल प्ले कर रहा हूँ जो कश्मीर में स्टेशन्ड है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस स्टेज पे मुझे वैसा किरदार ऑफर होगा. उसके अलावा मैंने Z5 का जो मेजर शो है बब्बर का टब्बर, वो ख़त्म किया है 2 seasons. इट्स माई फर्स्ट डिजिटल शो एंड दैट विल गो ऑन एयर नेक्स्ट मंथ. सो एंड देर आर अ कपल ऑफ फिल्म्स व्हिच आई एम शूटिंग राइट नाउ. सो या ये दो रेडी हैं, तो अब आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू.